भोपाल के रिटायर्ड नगर निगम अधीक्षण यंत्री पीके जैन के घर और कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है, जहां सुबह 5 बजे के आसपास टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि लोकायुक्त पुलिस को पीके जैन के खिलाफ विदेश में भी निवेश करने की जानकारी मिली थी। वहीं एलियंस बंगले के साथ साथ जमीनों की भी रजिस्ट्री मिली है, साथ ही कई लग्जरी सामान भी मिले हैं। इसे लेकर लोकायुक्त डीएसपी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने की शिकायतों के बाद छापामार कार्रवाई की गई है। फिलहाल सभी एंगल पर जांच पड़ताल की जा रही है। नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी हैं पीके जैन, उनके घर पर छापा पड़ा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आप जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर भी अधिकारी खड़े हुए हैं। छापामार कार्रवाई जो की गई है, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि इनके घर में जो चीजें मिली हैं, विशेष तौर कुछ जो चीजें हैं या संपत्ति है वो असंवैधानिक है, और इसी तरह से इनके घर पर छापामार कार्रवाई की गई। हालांकि काफी लंबे अरसे से इसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, निगरानी रखी जा रही थी। ये घर है, आपको दिख रहा है, और इस घर में ही कहा जाए कि जो जांच है, जांच चल रही है, टीम अंदर है। इसी के साथ में जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में भी एक टीम पहुंची है, वहां भी जांच कर रही है। लेकिन अब आगे और क्या निकल के सामने आता है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरी की पूरी टीम यहाँ पर अंदर है और यहाँ पर गेट लगा हुआ है। आप देख रहे हैं इसके अंदर लोकायुक्त की टीम है, वो यहाँ पर छापामार कार्रवाई के साथ में अंदर जांच पड़ताल कर रही है। और भी क्या क्या इसमें निकल के सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि लोकायुक्त की टीम ने 2 जगह छापामार कार्रवाई की है। कैमरा ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अभी बीएमसी वर्तमान में संविदा पर स्मार्ट सिटी में है, मिस्टर प्रदीप कुमार जैन, उनके घर पे आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिलने पर सर्च किया गया, सत्यापन किया गया था, और प्रथम दृष्टया संपत्ति आय से अधिक होने की साक्ष्य मिलने पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये सुपर